हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हमारे चैप्टर को जो है बेटा आज आगे बढ़ाते हैं। और आज जो है बेटा हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो ड्यू छोड़ा था बेटा, डू यू नो वाला पार्ट, उसे जो है बेटा हम लोग सबसे पहले कंप्लीट करने वाले हैं। और डू यू नो वाले पार्ट को कंप्लीट करने के बाद में जो है बेटा हम लोग हमारे नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, डू यू नो के अंदर आप लोगों को कहा गया है कि जनरली जो है बेटा जितनी भी वेजिटेबल्स होती है उन वेजिटेबल्स के अंदर जो है बेटा और फ्रूट्स के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ कहा गया है बेटा कि अप्रोक्सीमेटली जो है बेटा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है हमें 4.2 कैलोरी जो है बेटा एनर्जी की सप्लाई करता है। और ये एनर्जी जो हमारी बॉडी को सप्लाई की जाती है बेटा, इस एनर्जी की हेल्प से हमारी बॉडी की कई सारी जो है बेटा बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है बेटा कंप्लीट होती हैं। इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो जैसे है बेटा हार्ट का बीट करना, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सभी जो है बेटा इस तरीके की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो इसी एनर्जी की हेल्प से कंप्लीट होती है। डू यू नो का ही जो है बेटा एक और छोटा पार्ट आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, जहां आप लोगों को ये मेंशन है कि इंडिया के कई सारे पार्ट्स में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, अमेरिका के अंदर, यहाँ जो है बेटा शुगर केन जो होता है उस प्लांट का यूज एज अ व्हीकल फ्यूल भी जो है बेटा किया जाता है। और आप लोगों को जो है बेटा हमारे इंडिया में ही कई जगह जो है बेटा पेट्रोल पंप्स पे जहां पेट्रोल भराते हैं वहां पर जो है बेटा एक नोटिस बोर्ड जो है बेटा वो देखने को मिलता है, जहां वहां पर लिखा होता है कि इस पेट्रोल के अंदर अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस जो है शुगर केन जो है उसका कुछ पार्ट मिक्स किया गया है, तो आप टाइम टू टाइम जो है वो अपने गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है उसे क्लीन कराते रहें। दैट मींस जो है बेटा उस पेट्रोल के अंदर, उस फ्यूल के अंदर जो है शुगर केन के जो है बेटा कुछ पार्ट्स को जो है वो शामिल किया जाता है। अब जो है बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो हेडिंग हमारा है बेटा वो रहेगा हमारे पास में फैट। फैट जो है बेटा क्या होता है? देखिए बेटा, अगर हम लोग बात करते हैं फैट की, तो फैट जो है बेटा एक बहुत मेजर सोर्स है हमारी बॉडी को जो है बेटा एनर्जी सप्लाई करने का। और सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर अपने आप में एनर्जी को स्टोर करके रखने के लिए, या फिर हम कहें बेटा कि एनर्जी की सप्लाई करने के लिए जो है बेटा हमारी बॉडी के अंदर फैट ही जो है बेटा मेन सोर्स होता है, जिसकी हेल्प से जो है हम लोग एनर्जी जो है बेटा गेन कर सकते हैं आसानी से। अब जो है बेटा बात करें कि फैट जो है उसके अलावा जो है क्या काम करता है एनर्जी के अलावा, तो फैट जो है बेटा एनर्जी के अलावा जो है न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करने का काम भी करता है। डेट मीन्स जो है बेटा न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी के अंदर जो है बेटा लेकर के आने के अंदर फैट का जो है बेटा एक इम्पोर्टेंट रोल जो है होता है, जिसमें हम लोग जो है बेटा फैट जो है उसके थ्रू कई सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं। अब इसके बाद में जो है बेटा आगे आप लोगों को जो है ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए हमारी बॉडी जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर अगर फैट को जो है वो लेती है तो क्या होता है बेटा। जनरली जो है बेटा हमारी बॉडी जो है एक्सेस अमाउंट के अंदर जो भी फैट हमारी बॉडी को सप्लाई किया जाता है उस फैट को जो है बेटा बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे की ओर जो है बेटा स्टोर कर देती है, जिसकी वजह से जो है बेटा हम कहते हैं कि फैट बढ़ गया, डेट मीन्स मोटापा बढ़ गया है। तो वहां एक्चुअल में क्या होता है बेटा, फैट जो है वो जाकर के स्टोर हो जाता है किस जगह, बीनीथ द स्किन। और जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी जो है बेटा बात की जाती है कि किस तरीके से जो है वो मोटापे को घटाया जा सकता है, तो कहते हैं कि थोड़ा सा जो है वो भूखा रहें या जो है वो डाइटिंग करें, और डाइटिंग करते हुए जो है वो एक्सरसाइज भी प्रॉपरली करें। तो ऐसा करने से क्या होगा बेटा, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी। किसके द्वारा? उस स्टोर्ड फैट के द्वारा जो कि आपकी स्किन के नीचे की ओर जो है बेटा स्टोर किया गया है हमारी बॉडी के द्वारा। तो उसकी हेल्प से जो है बेटा हम लोग आसानी से जो है एनर्जी को जो है बेटा ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि वो फैट जो है बेटा वहां बर्न होगा और फैट बर्न होने पर जो है बेटा आप लोगों को एनर्जी मिलेगी। अब किसी फूड सोर्स के अंदर जो है फैट अवेलेबल है या नहीं है उसको जानने के लिए आप लोगों को यहाँ पर जो है बेटा एक एक्टिविटी जो है वो दी गई है, एक्टिविटी 2.2 जो है बेटा ये आप लोगों को बताती है कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपके किस फूड सोर्स के अंदर फैट अवेलेबल है और किस में नहीं है। तो इसके लिए जो है बेटा हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा जो है बेटा जिस भी फूड के हम टेस्ट करना चाहते हैं उसको जो है बेटा क्रस्ट फॉर्म में हम लोग लेते हैं,
पिसा हुआ जो है बेटा लिया जाता है, और उस पिसे हुए फ्रूट को जो है बेटा एक पेपर के ऊपर लेकर के जो है बेटा उसे उसके ऊपर मैश किया जाता है, या हम कहें कि रब किया जाता है। ऐसा करने पर जो है बेटा वो पेपर जो है जिसके ऊपर इसे रब किया जा रहा है, अगर उस पेपर के वहां पर जहां पर उसे रब किया है उस पेपर को जब हम लोग जो है बेटा उठा करके किसी लाइट सोर्स के सामने अगर ले जाएं, और अगर वो पेपर उस पोजीशन से जहां पर जो है बेटा उस क्रश फूड को जो है वहां रब किया गया था वहां से अगर ऑयली अपीयरेंस अगर देता है बेटा, तो इसका मतलब है कि उस फूड आइटम के अंदर फैट जो है वो कंटेंट है, डेट मीन्स उसके अंदर फैट प्रेजेंट है। लेकिन एक बात का हमें जो है बेटा खास तौर पर ध्यान रखना होगा, और वो ये कि अगर जो है बेटा वो फूड आइटम अगर हमने फ्रिज में से निकाला है तो उसे कुछ देर के लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर खुला छोड़ करके फिर उसके बाद में हमें उसे रब करना चाहिए, तभी हम लोग जो है बेटा डिजायर्ड रिजल्ट जो होगा हमारा वो ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम लोग अगर बात करें बेटा कि सोर्स ऑफ फैट जो है वो क्या होते हैं, तो सोर्स ऑफ फैट के अंदर जो है बेटा आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कुकिंग ऑयल, घी, बटर, ये जो है बेटा सोर्स ऑफ फैट है। ऑयल सीड्स, नट जो है बेटा सोर्स ऑफ फैट है। मीट, पोल्ट्री, एग और योल्क, ये भी जो है बेटा हमारे पास में सोर्स ऑफ फैट है। होल मिल्क और चीज, ये भी जो है बेटा सोर्स ऑफ फैट है। अब फैट जो है बेटा जनरली जो है ह्यूमन बीइंग के लिए जो है एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर जो है बेटा अच्छे से जो है वो काम करता है, लेकिन अगर ये एक्सेस अमाउंट के अंदर अगर मिलने लगे बेटा तो इससे जो है वो मोटापा बढ़ने लगता है, ओबेसिटी की जो है बेटा प्रॉब्लम फेस होने लगती है। लेकिन कई सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर अगर फैट जो है बेटा लार्ज अमाउंट में अगर सप्लाई ना हो तो उनका सर्वाइव करना जो है बेटा पॉसिबल नहीं होता है, और इसके अंदर जो है बेटा आप लोगों को एग्जाम्पल दिया गया है कि सील्स और जो है बेटा पोलर बियर्स जो होती है उनके ऊपर एक थिक लेयर होती है फैट की, जिसके कारण वो जो है बेटा कोल्ड रीजन्स के अंदर आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि वो जो फैट की थिक लेयर उनके पास में प्रेजेंट होती है उनकी स्किन के नीचे की, और जो है बेटा वो उन्हें उस टेम्परेचर से बचाए रखती है। अब जो है बेटा आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है कि फैटी टिश्यूज जो है बेटा वो आप लोगों की आई और किडनी के चारों ओर प्रेजेंट होते हैं, जो कि आप लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, यानी कि आपकी आईज को, और उसके अलावा जो है बेटा आपकी आईज के अलावा जो है बेटा किडनी के चारों ओर फैटी टिश्यूज जो है वो मौजूद होते हैं जिनके अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर फैट प्रेजेंट होता है, और ये जो है बेटा फैट आप लोगों के इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। अगला जो टॉपिक हमारे पास में है बेटा वो है हमारे पास में प्रोटीन। तो अगर हम लोग जो है बेटा प्रोटीन की बात करें कि प्रोटीन जो है वो किस तरीके से हमारी हेल्प करता है, तो देखिए बेटा प्रोटीन के केस में क्या जो है वो यहाँ पर आप लोगों को मेंशन है। प्रोटीन जो है बेटा ये मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी का, क्योंकि जो है बेटा प्रोटीन जो है उसी से जो है हमारी बॉडी के जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो पाती है, और जो है बेटा हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर जो है बेटा न्यूमरस सेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, और उन सेल्स को बनाने के लिए जो बेसिक मटेरियल जिसकी नीड हमें होती है वो होता है बेटा प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है बेटा इसीलिए हमारी बॉडी का जो है बेटा मेन और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है बेटा कहलाता है, और प्रोटीन की हेल्प से ही जो है बेटा हमारी बॉडी के अंदर सेल्स की फॉर्मेशन कंप्लीट हो पाती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है बेटा वो हमें प्रोटीन से ही मिल पाता है। तो प्रोटीन जो है बेटा हमारी मील के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये जो है बेटा रिपेयर करने के काम आता है वॉर्न आउट सेल्स को, यानी कि ऐसे सेल्स जो कि डैमेज हो गए हैं, खराब हो गए हैं, उन्हें जो है बेटा बदलने के लिए, उन्हें रिप्लेस करने के लिए। साथ ही साथ जो है बेटा ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारी बॉडी का, और चिल्ड्रंस जो होते हैं बेटा उन्हें हर डाइट जो उनको दी जाती है वो प्रोटीन रिच डाइट जो है बेटा दी जाती है। उसका कारण होता है बेटा क्योंकि चाइल्ड एज के अंदर ही जो है बेटा ह्यूमन बॉडी जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट लेती है, और एक एडोलसेंस एज के ऊपर जो है बेटा वो आकर के ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है बेटा रुक जाता है। तो जब ग्रोथ और डेवलपमेंट अगर चल रहा है उस वक्त पे जो है बेटा अगर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी बेसिक एलिमेंट हमारे पास में है प्रोटीन, अगर ये प्रोटीन जो है बेटा इसी की सप्लाई अगर हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो पाएगी तो जो है बेटा ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है बेटा प्रॉपरली नहीं चलेगा, और ग्रोथ और डेवलपमेंट अगर प्रॉपरली नहीं हुआ तो इट मे बी पॉसिबल कि हम लोग जो है बेटा कई तरीके की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। और कौन कौन सी डिजीज ऐसी होती है जो प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन के कारण होती है उन्हें हम लोग जो है बेटा इसी चैप्टर में बाद में जानेंगे। बाकी अभी जो है बेटा हम लोग यहाँ पर देखें
तो यहाँ बताया गया है आप लोगों का कि ये हेल्प करता है नए सेल्स बनाने के अंदर और साथ ही साथ जो डेड और डैमेज सेल्स होते हैं उन्हें रिप्लेस करने के अंदर। अब प्रोटीन जो है बेटा वो दो तरीके से जो है वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं। प्लांट्स जो है वो भी प्रोटीन देते हैं और साथ ही साथ जो है बेटा एनिमल्स से भी जो है बेटा आप लोगों को प्रोटीन मिल सकता है। प्लांट्स प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट्स प्रोटीन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है बेटा कि सोयाबीन पल्सेस नट्स ऑयल सीड्स सीजम ग्राउंड नट ये सभी जो है बेटा आप लोगों को प्लांट प्रोटीन के जो है बेटा सोर्सेज होते हैं। एनिमल्स के अंदर अगर हम लोग बात करें बेटा तो मीट मिल्क एग चीज फिश और लॉबस्टर्स जो है बेटा ये आप लोगों के पास में एग्जांपल्स हुए प्रोटीन के सोर्स के। तो ये सभी जो है बेटा प्रोटीन सोर्सेज हैं जिनसे आप लोग जो है बेटा प्रोटीन ऑब्टेन कर सकते हैं जो कि आप लोगों की बॉडी के लिए एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक का वर्क करता है। अब जो है बेटा एक एक्टिविटी 2.3 जो है बेटा आप लोगों को यहाँ दी हुई है और उसके अलावा जो है बेटा इससे पहले वाले पेजेस के दो डू यू नो और इस पेजेस का जो डू यू नो है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसके शुरुआत के अंदर हम लोग जो है स्टडी करेंगे। बाकी यहाँ पर जो है बेटा एक्टिविटी 2.3 जो है वो आप लोगों से क्या कहती है देखिए आप लोगों को जो है बेटा प्रोटीन के लिए एक टेस्ट जो है वो करके देखना है कि आपके पास में जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखिए आप लोगों को इसकी प्रोसीजर जो है बेटा वो बताई गई है। प्रोसीजर क्या है आप लोगों से कहा गया है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसके अंदर जो है बेटा कुछ पाउडर्ड फूड सैंपल्स जिनमें आप लोगों को ये टेस्ट करना है कि उनमें प्रोटीन अवेलेबल है या नहीं है उन्हें लेना है। इसमें जो है बेटा अप्रोक्सीमेटली 10-12 ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो है वो आप लोगों को लेकर के इसे अच्छे से जो है बेटा आप लोगों को स्टिर करना है और फिर उसके बाद में या हम कहें कि बेटा अगर टेस्ट ट्यूब है तो उसे शेक करना है। फिर उसके बाद में जो है बेटा इसमें 2 ड्रॉप्स जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालनी है और 10 ड्रॉप्स जो है बेटा कास्टिक सोडा की। यानी कि 2 ड्रॉप्स तो जो है बेटा कॉपर सल्फेट की अगर मैं बात करूँ बेटा तो इसका फॉर्मूला होता है CuSO4। हालांकि 6 स्टैंडर्ड पे फॉर्मूला जो है वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है तो लेकिन फिर भी आप लोगों की नॉलेज के लिए जो है बेटा बता दूँ कॉपर सल्फेट जो है वो CuSO4 होता है ये। और साथ ही साथ जो है बेटा आप लोगों को लेने के लिए बोला गया है कास्टिक सोडा की अगर मैं बात करूं बेटा तो ये आप लोगों के पास में होता है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब जो है बेटा अगर हम लोग आगे बढ़े तो बोला गया है कि ये दोनों सब्सटेंसेस जो है बेटा इसके अंदर मिक्स करने के बाद आप लोग जो है बेटा इसे अच्छे से शेक करें और अगर सॉल्यूशन जो है बेटा ब्लू कलर के अंदर अगर जो है कन्वर्ट हो जाता है दैट मीन्स उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों के पास में सॉल्यूशन जो है वो वायलेट कलर के अंदर अगर बदल जाता है बेटा डेट मीन्स उसके अंदर जो है आप लोगों के पास में प्रोटीन प्रेजेंट है। यानी कि आप लोगों को जो है बेटा क्या करना है एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है बेटा क्रश फूड आइटम जो है बेटा डालना है फिर उसमें जो है बेटा वाटर आप लोगों को साथ में ऐड करना है और वाटर ऐड करने के साथ साथ जो है बेटा कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की कुछ बूंदें आप लोगों को इसमें डालकर शेक करना है। अगर जो है बेटा इसका कलर आप लोगों के पास में ब्लू कलर में अगर बदल जाता है डेट मीन्स नो प्रोटीन इज प्रेजेंट। किसी भी तरीके का कोई प्रोटीन जो है बेटा इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर इसका कलर जो है बेटा वायलेट अगर आप लोगों को मिले डेट मीन्स प्रोटीन इज प्रेजेंट इन इट प्रोटीन इसके अंदर जो है बेटा प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो है बेटा आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि किसी फूड सैंपल के अंदर आप लोगों के पास में प्रोटीन अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ पर जो है बेटा आप लोगों को कुछ फूड आइटम्स जो है वो लेकर के उन पर ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा गया है लेकिन अभी हमारे पास में लिमिटेड जो है बेटा रिसोर्सेज होने के कारण हम लोग ये एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ इससे रिगार्डिंग एक वीडियो जो है बेटा मैं आप लोगों के इस वीडियो के साथ में अपलोड करूंगा वहां आप लोग जो है बेटा इस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। अब जो है बेटा अगला जो पार्ट है वो अगला पार्ट हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और वो है बेटा आप लोगों के पास में वाटर रफेज और साथ ही साथ जो है बेटा विटामिन और मिनरल्स और कई तरीके की जो है बेटा
मेल न्यूट्रिशन के कारण किस किस तरीके की डिजीजेज जो है बेटा उनसे आप लोगों को जो है वो रूबरू होना पड़ता है, उनके बारे में जो है बेटा जानकारी हम लोग लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।